वो सब भूत तो उस गाड़ी में ही रह गया। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे भी आहिल को यकीन दिलाना होगा कि बेगम साहिबा जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है। वो बचपन से आहिल के साथ तो है मगर चंदन में लिपटे हुए सांप की तरह। पर बिना सबूत के आहिल ने मेरी बात का यकीन ना किया तो? आई होप सनम मेरी बात का यकीन कर ले, यकीन कर ले कि मैं उसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। जो तुम नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो आहिल, क्योंकि ऐसा करके तुम सनम को ही चोट पहुंचाओगे। ऐसे ही तुम्हें अभी सनम पसंद है, वो तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद तुम्हारा उससे मन भर जाएगा तब क्या होगा? ऐसा करके तुम सनम की जिंदगी बर्बाद कर रहे। मम्मी कुछ भी कहे, ये सच बदल नहीं सकता कि मैं सनम से प्यार करता हूं। या अल्लाह, अगर आहिल ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया तो भी मुझे कुछ भी करके आहिल को उन पेपर्स पे दस्तखत करने से रोकना होगा। उन कागजात में बेगम साहिबा की कमजोरी छुपी है। अगर उन पर एक बार दस्तखत हो गए तो मैं कभी भी बेगम साहिबा को सच कबूल कराने के लिए मजबूर नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है सनम कि अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो? इसे सनम ऐसा क्या है जो तुम आहिल को बताने के लिए मरी जा रही हो? यही ना कि हम तुमसे जबरदस्ती इन कागजात पर साइन करवा रहे हैं, या फिर ये सब के पीछे हमारा बहुत बड़ा मकसद है, या फिर ये कि इन कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए हम तुम्हारी जान तक ले सकते हैं? यही सब बताना चाहती हो ना आहिल को? तो ठीक है, जाकर बता दो सब कुछ आहिल को। लेकिन एक बात हमारे कान खुलकर सुन लो, आहिल तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। और शायद ये बात हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं। जानती हूं मैं, आहिल मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उनकी आंखों पे आपकी कुर्बानी की पट्टी बंधी हुई है। आहिल की अम्मी की कुर्बानी जो उनकी अम्मी ने कभी दी ही नहीं। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। बचपन से लेके आज तक आहिल अपने दिल पे जिस गुनाह के बोझ के साथ जीते आ रहे हैं वो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं। जी बेगम साहिबा, मुझे हकीकत पता चल चुकी है। मैं जान चुकी हूं कि आहिल ने अपने अब्बू का कत्ल नहीं किया है। ये आपने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके हाथों उनके अब्बू का कत्ल हो गया, जबकि असलियत ये नहीं। आपने उन्हें ये यकीन इसलिए दिलवाया क्योंकि नवाब साहब का कत्ल आपने किया। और मैं ये बात सबके सामने साबित कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इस बात का सबूत भी।
बड़ी चालाकी से आपने ये चाल चली है बेगम साहिबा, खुद अपने शौहर का कत्ल करके इल्जाम आहिल पे लगा दिया आपने। बचपन से लेके आज तक आहिल कभी इस बोझ से उबर नहीं पाए और आपके उस एहसान के नीचे दबे हुए हैं जो आपने कभी उन पे किया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें असली हक बताऊंगी ताकि वो भी आपका असली और घिनौना चेहरा देख सके। मैं आहिल को बताऊंगी कि उनकी अम्मी ने उनके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। और देखिएगा, मेरे होते हुए मैं आपका कोई भी ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। आपका हर ख्वाब अधूरा रह जाएगा, समझिए। हमारा कोई भी ख्वाब कभी अधूरा नहीं रहता सनम, ये सच है। हमने नवाब साहब का कत्ल किया और आहिल को इस बात का यकीन भी दिलाया कि उसने नवाब साहब का कत्ल किया। यहां तक कि हमने उसे इस बात का भी यकीन दिलाया कि हमने इतने साल उसके लिए जेल में काटे, उसके लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। सनम, हमने आहिल को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। या अल्लाह, अब तो तुम्हें सच पता चल गया। लेकिन सनम, क्या तुम ये जानती हो कि इस सच से पर्दा उठाने के लिए तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर इस सच्चाई पर से पर्दा उठाने की कीमत मेरी जिंदगी है ना, तो यकीन मानिए मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। क्या कहा तुमने, जिंदगी? लेकिन सनम, इस सब के लिए हम तुम्हारी जिंदगी क्यों लेंगे? अगर तुमने आहिल को सच बताया तो हम तुम्हारी नहीं बल्कि आहिल की जिंदगी उससे छीन लेंगे। तुमने ठीक कहा सर, इस सब के पीछे हमारा एक मकसद है। पर सोचो, अगर हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ तो फिर हम किसी की परवाह क्यों करेंगे? जानती हो सनम, हमने आहिल को ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि हम उसे ऐसा बनाना चाहते थे। उसके सामने इतनी सारी कुर्बानियों का नाटक हमने क्यों किया? सिर्फ इसीलिए सनम, ताकि वक्त आने पर वो अपनी जिंदगी हम पर कुर्बान कर सके। जब इतने साल हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, तो जरा सोचो उसकी जान लेने में हमें कितना वक्त लगे। देखो सर, अगर आहिल ने इस प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दी और ये सारा कारोबार हमारे नाम कर दिया, उसके बाद वो जहां चाहे, जिसके साथ चाहे कुछ भी करे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर तुमने आहिल को प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने से रोका तो हम इसी वक्त उसकी जान ले लेंगे। इसीलिए अपना मुंह खोलने से पहले अपने दिमाग से काम लो। और हाँ, अगर तुमने साइन करने से मना किया या अपना मुंह खोला तो भी हम आहिल की जान ले लेंगे और इसी वक्त सबके सामने स्टेज पर। और यकीन मानो सनम, कोई हम पर रत्ती पर भी शक नहीं करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और हम चाहते हैं कि तुम 9 बजे तक स्टेज पर आ जाओ। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, अब सब कुछ तुम्हें तय करना है। सोच लो कि तुम आहिल को सच बताना चाहती हो या उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो। हया सनम, कितनी दूर? अम्मी, अरे आहिल, हया, तुम दोनों यहाँ पर हो? जानते हो हम तुम दोनों को काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। वो किसी ने बताया कि तुम लोग
इस साइड हो तो हम आगे। हया बेटा, पता है राहत तुम्हें कब से ढूंढ रहा है? हमें लगता है शायद उसे कुछ काम होगा, जाओ उससे मिल लो। जाओ बेटा, कुछ जरूरी काम होगा। आप सनम से कॉरिडोर में मिल लीजिएगा, वो वेट कर रही है आपका। आहिल बेटा चलो, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है, चलो चलो। अम्मी आप चलिए, मैं एक क्या मिनट। एक मिनट, अपनी अम्मी के लिए 10 मिनट नहीं है। ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं आहिल बेटा हमें एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, चलो चलो बेटा। आप आइए। आज हम बहुत खुश हैं और हमारी खुशी में शरीक होकर आपने हमारी शाम को और 4 चांद लगा दिए, और इसके लिए हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आज की शाम सिर्फ कोहिनूर होटल के लिए यादगार नहीं रहेगी, बल्कि आज की शाम हमारा वो ख्वाब पूरा होगा जो हमने बरसों से देखा। आज आहिल और सनम नवाब साहब की प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करेंगे, और उसके बाद नवाब साहब की सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे आहिल के नाम हो जाएगी। आज की शाम आप लोगों को एक नया नवाब मिलेगा, भोपाल का नया नवाब आहिल रजा इब्राहिम। इधर आओ, देखो वक्त आ गया है, सात भी बिछ चुकी है, बस अब हमें चाल चलना बाकी है। समझी? आओ मेरे साथ। ये तनवीर और रसिया, ये दोनों क्या करने वाले हैं? अम्मी, अम्मी आप ये सब करने वाली, ये बता तो देना चाहिए था। आहिल बेटा अगर बता देते तो फिर ये सरप्राइज कैसे रह जाता? हम जानते हैं कि इन पेपर्स पे तुम दोनों घर पर भी साइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ सबके सामने अगर तुम दोनों साइन करोगे ना तो आहिल बेटा तुम्हारा रुतबा बहुत बढ़ जाएगा। तुम भोपाल के होने वाले नवाब हो, और ये कोई मामूली बात नहीं है आहिल। को ये बात पता है? हाँ बिल्कुल पता है। अब भला हम उससे जबरदस्ती क्यों करेंगे? हम किसी से कभी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसने खुद कहा है कि वो साइन करेगी इन पेपर्स पे। बेगम साहिबा, सनम आ रही है। सनम इन पेपर्स पर साइन करने के लिए राजी हो गई, इसका मतलब वो मुझसे अब तक नाराज है और ये रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता। अम्मी मुझे इतना प्यार करती कि मैं क्या बताऊं। अम्मी मेरे लिए जेल भी गई। जो गुनाह मैंने किया ना, उस गुनाह के सारे इल्जाम अम्मी ने अपने ऊपर ले लिए। ये सच, हमने नवाब साहब का कत्ल किया, और आहिल को इस बात का यकीन भी दिलाया कि उसने नवाब साहब का कत्ल किया। Thank you.
आपको ये कैसे बताऊं आहिल कि बेगम साहिबा हमारे ख्वाबों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगी। हम चाहते हैं कि आप सब हमारी बहू सनम के लिए दिल खोल कर तालियां बजाएं। सनम सिर्फ आहिल की बीवी ही नहीं है बल्कि उसने हर कदम पर आहिल का साथ दिया। अगर ये यहां नहीं होती तो यकीन मानिए हम सबको ये दिन देखना नसीब ही नहीं होता। सनम बेटा, अब तुम अपने हाथों से आहिल को पेन देकर आज की शाम को हमेशा के लिए यादगार बना दो। अगर तुमने साइन करने से मना किया या अपना मुंह खोला तो भी हम आहिल की जान ले लेंगे और इसी वक्त सबके सामने स्टेज पर। सोच लो कि तुम आहिल को सच बताना चाहती हो या उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो। इन कागजात पर दस्तखत करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये वैसे बदले जैसा हम नहीं चाहते। मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ वो सारे सपने मत सोचा जो तुमने देखे थे। मुझे कोई उम्मीद मत रखो, लेकिन यू नो मैं गलत था। मैं चाहता हूं कि तुम वो सारे ख्वाब सजा जो तुम्हारी आंखों ने देखे, मुझसे वो सारी उम्मीदें रखो जो एक बीवी अपने शौहर से रखती है, और मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियां देना चाहता हूं। वो सारी खुशियां तुम्हारे कदमों पे रखना चाहता हूं। You know why? Love you, Sanam. जुनून तेरे इश्क का, जुनून तेरे इश्क का, I love you. जुनून तेरे इश्क का, जुनून तेरे इश्क का, मुझे सिर्फ एक मौका दो। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऑन द कॉन्ट्री, मैं अम्मी को ही मना लूंगा।